Anand sir, really good to see you. Abhi, we just had a word with the director and he said he's planning to make a part 2. What's your take on that? Again, the same thing. The day we have a story, then there is a part 2. If there is no story, there is no part 2. Anand sir, मानते हैं ना North India का जो menu है, जो एक खास एहसान से वो राजना से लेकर अब तक, you know, तनु वेट मनु और उसके बाद में तनु वेट मनु का sequel, ये आप ही लेके आए, बहुत कुछ बाकी है अभी explore करने के. मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं मानता कि ये मैं लेके आया, ये मैं ही था तो मेरे साथ आ गया. और शायद वो वजह है कि मेरे अंदर का मिडिल क्लास मेरी ऑडियंस तक पहुंच रहा है और वो मेरी कहानियों में दिख रहा है. वो मेरी लाइफ का अपना एक बेसिक है जो मैं पहुंचा पा रहा हूं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि वो इस तरह से एक्सेप्ट हो रहा है. सर, क्या आपने सोचा था इतनी बड़ी कामयाब होगी? दूसरा, सबसे डोंट यू फेल रिस्क, यू नो, though he have done a fantastic job, you know, I'm talking the director who have done the south version, but right. Hindi ki hum baat karte hain to bahut zuban bilkul alag ho jati hai aur wo khushboo pahunchana, wo baat pahunchana bada mushkil sa hota hai. Kya aap bhi set pe the? Dekhiye, जब भी आप कोई कहानी सुनाने जाएंगे, और रिस्क तो हो गए, और क्यों ना हो, चैलेंजिंग एक कहानी सुनाना, क्यों ना चैलेंजिंग, इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम लोग ये वाला रिस्क नहीं लेंगे तो एक हमारे अंदर की ग्रोथ नहीं होगी. और इस तरह की कहानी जैसे शुभ मंगल सावधान, मुझे पर्सनली लग रहा था कि एक, और कमिंग फ्रॉम अ स्टोरी सेट इन अ मिडिल क्लास, वॉज इम्पॉर्टेंट टू गो दैट फार नाउ. ये बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे लिए कि हम लोग, मेरे लिए अलग तरीके से देखी हुई कहानी थी. मेरे लिए ये वो वाला जनरेशन गैप दूर हटाने वाली बात थी. मेरे लिए ये वो वाली बात थी कि दो जनरेशन आपस में बात करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती है. सो हाँ, वो रिस्क लेना, आप रिस्क लेना बोल रहे हैं, मैं उसको एक अलग तरह का इन्जॉयमेंट समझता हूँ, एक अलग तरह की कम्युनिकेशन समझता हूँ ऑडियंस के साथ, जो कि अच्छी निकली. और इट्स वेरी इनकरेजिंग, इट विल मेक मी वर्क मोर हार्ड. We will be working more on more scripts which are more challenging. So very positive. With all due respect to the star cast of Badshah, you know, it's getting released at the same time, and your film goes ahead, leaving aside the star cast which have such a big start in the industry. What's your take on that? How do you see the success? We are a big industry. There will be number of films releasing together now. So we should accept it. And talking about Badshah and Shubh Mangal Savdhan, they are two different films. Dono bahut alag alag tarah ki kahani hai, unki apni audience hai. Aur yeah, ek badi star cast hai, ek content driven hai. So ye cheezein chalti rahengi, aur har tarah ki audience hamare paas hai. Audience ko ye taiyar karna ki har tarah ki film aapko dekhne ko milegi, ye hamara kaam hai. To aapne abhi jaise kaha ki ek bahut badi star cast aur ek content driven film, aap mante hain content hi jeet gaya star cast? मुझे हार जीत नहीं समझ में आ रही, मुझे तो ये दोनों की विक्ट्री समझ में आ रही है कि यहाँ पे हर तरह की फिल्म हमने अपनी ऑडियंस को प्रिपेयर कर लिया है. और ये हमारी बैंडविड्थ बढ़ाती है कि वहीं पे ही बादशाह भी बिजनेस करती है, वहाँ पे शुभ मंगल सावधान भी बिजनेस करती है. नहीं, मैं बोल देता हूँ, मेरे को थोड़ा और वक्त दे दीजिए. ऑफ तो नहीं है नाम, सो मेरे को थोड़ा वक्त दे दीजिए, मज़ा आएगा, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा आपको. मैं ये मोमेंट शुभ मंगल सावधान के लिए रख लूँ तो बेहतर है. जी, मैं समझा नहीं है क्या. मैं बता नहीं सकता, मतलब वो वैसे तो मेरे साथ ही हैं हमेशा, अभी तो मैं इनके साथ अपना काम करना एंजॉय कर रहा हूँ. सो आ भी सकते हैं. रखूं थोड़ा सस्पेंस, मजा आएगा ना. थैंक यू.
मैं इसमें एज अ डायरेक्टर नहीं, मतलब कोई फिल्म मेकर वाली बात नहीं है, ये बहुत पर्सनल है. इस तरह की बात आपको ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल हर्ट करती है और एक अजीब तरह का डर आपके अंदर पैदा करती है. सो वी एक्सपेक्ट टू गो लिटिल मोर स्ट्रॉन्ग, वी एक्सपेक्ट आवर सिस्टम टू वर्क टूवर्ड्स इट. क्योंकि मैं भी एट दिस एज आई हैव अ डॉटर. आप जब वो घर से बाहर जा रही हैं वो, तो आपके अंदर एक अजीब सा डर रहता है. सो वो डर नहीं होना चाहिए. जी एनी रूम फॉर आई थिंक देयर इज अ रूम फॉर मैरिट. आनंद जी एक मिनट, आपके साथ एक तस्वीर में ले लूं फिर मैं भागने वाली हूँ, जल्दी से ले लो. चल, क्योंकि मेरे को भागना है और इन लोगों को जल्दी जा रहे हैं. हाँ, ये आपके लिए मैं आ गई हूँ, नहीं तो मैं कभी आती भी नहीं. चलो. हाँ, मैं कैसे बोल लूँ, मैं खुद कहाँ से आ रहा हूँ. मुझे नहीं लगता ये एग्जिस्ट करती, मुझे नहीं लगता ये एग्जिस्ट करती है. ये हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है. वो डायनेस्टी से निकले या कोई अपने आप अपना रास्ता तय करे. सो आई डोंट बिलीव इन इट. आई हैव नो राइट टू बिलीव इन इट बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, देयर वाज नोबडी विद मी. सो आई डोंट थिंक सो. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, thank you. यार लड्डू खाता बहुत हूँ मैं, चढ़ता नहीं मुझपे. तो आई एम लकी लाइक दैट. मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है मेरा. यार अभी चंडीगढ़ जाएंगे दिवाली के टाइम पे, तब वो बहुत लड्डू खाएंगे उस टाइम पे. थैंक यू. थैंक यू. Ashwin, we just had a word with the director and he said he's in process to make the part 2. What's your take on that? That's amazing yaar, par problem ye hai ki part 2 ki problem kya hogi. Part 2 mein matlab shayad over ho gaya hai. Ab plot dhoondne ki koshish karenge part 2 mein kya ho sakta hai. Ab matlab of course picture ke mein dikhaya tha ki problem theek ho gayi hai, to kya pata wo zyada hi kuch zyada hi alpha ho jaye, to you never know. So we are just looking for the plot line ki part 2 mein kya ho sakta hai, kya explore ho sakta hai, kyunki bahut hi quirky subject hai, isko aur explore kiya ja sakta hai. वही बोल रहा हूँ ना कि या तो बहुत ही अति हो जाएगी या वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, तो दोनों में से एक रूट चूज करना पड़ेगा. ओके आयुष्मान, यू नो फिल्म को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली है विद ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ बादशाह. एक इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद योर फिल्म यू नो वेंट अहेड इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल और क्रिटिकली. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डू यू थिंक द कंटेंट इज ऑलवेज द किंग? आई थिंक ऑफ कोर्स कंटेंट इज ऑलवेज द किंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ द फिल्म्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो मतलब मुझे लगता नहीं दोनों फिल्में एक दूसरे के बीच में आई हैं. हमारी मूलतः एक मल्टीप्लेक्स फिल्म थी जो आगे जाके सिंगल स्क्रीन में बेची करने लगी,
तो आई गेस बोथ द फिल्म्स वाज सो डिफरेंट द कंटेंट वाज सो डिफरेंट तो मतलब मुझे लगता नहीं कि क्लैश हुआ है किसी तरह का ओके वी जस्ट हैड अ वर्ड विद श्रीराम राघवन आल्सो ही सेड यू विल गो टू सी आयुष्मान खुराना एब्सोल्युटली इन अ डिफरेंट अवतार इन द पियानो प्लेयर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट ही सेड इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट व्हाट ही हैव डन इन टू मंगल सावधान एंड बरेली की बर्फी व्हाट्स योर टेक ऑन ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डिफरेंट बिकॉज़ इट्स श्रीराम राघवन्स फिल्म इट्स अ थ्रिलर इट्स दिस इज अ जॉनर व्हिच आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड Yeah, it's very different. It's something which is like I had never expected कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे मिलेगी या फिर श्रीराम राघवन के साथ भी उनके लिए भी बहुत डिफरेंट है एक तरह से क्योंकि एक म्यूजिक एंगल भी है फिल्म के अंदर तो yeah, I'm really excited about it. 40% मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली है so we'll be starting the next kid after Diwali. यार मुझे अभी भी अपनी शुभ मंगल सावधान का कान्हा गाना बहुत अच्छा लगता है सो आई गेस रॉकेट सैया यार रॉकेट सैया मुझे आता नहीं गाना कान्हा ऊंची ऊंची डोरियों पे बांध लेगा घर पर ना माने ना कान्हा माने ना थैंक यू सो मच मोर पिक्चर्स पॉलिटिकल डायनेस्टी आई गेस दिस वी लिव इन अ डे एंड एज वेयर मेरिट विल बी द ओनली ऑप्शन इवन दिस पॉलिटिकल डायनेस्टी व्हिच इज एग्जिस्टिंग दे ओनली सर्वाइव बिकॉज ऑफ मेरिट So I think merit is the ultimate line. Yeah. You're the example. Thank you so much. Thanks. Guys, put it. Sir, left now. बिल्कुल मैंने फिल्म देखी है और पहले दिन देखी मैंने फिल्म और मैंने थिएटर में एक्चुअली जब ट्रेलर देखा ना दैट्स व्हेन आई मैसेज ऋषिका मैम आई टोल्ड हर कि बहुत ज़्यादा जोर से लोग हंस रहे हैं थिएटर में एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि पीपल आर लाफिंग आउट लाउड एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी सॉ एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपन इन द फिल्म ऑल्सो तो ये बहुत अच्छी बात है सिर्फ ट्रेलर में नहीं फिल्म में उससे 20 गुना ज़्यादा और हम लोग हंसे तो मैं एक ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा बट आई एम डूइंग द लुक फॉर अ फिल्म विच आई होप टू बी एबल टू अनाउंस वेरी सून थैंक यू सो मच थैंक यू सर Hi guys. Really good to see you. Hi, how happy you are. You know, we just met a director. We said he's planning for the part 2. Yes. Well, I don't know about that, but I'm extremely happy. It's been such a fantastic last 30 days in my life. I really feel like life is completely changed. You know, for like Shubh Mangal Saavdhan, I'm so happy the kind of love the film is getting. It's such an offbeat film. It's funny, it's quirky, and it's amazing is the way the audiences are reacting to the movie. Thank you so much. I'm so overwhelmed by the reaction for everything that's happening. I just have so many people to thank and just thank you. Are you ready for the part 2? Oh yeah. I'm ready for part 2, 3, 4, 10, everything. I'm just ready. You should just make it quickly. With all due respect to the people who are part of Badshah, you know, such a big star cast and your film went ahead in terms of commercially, critically, what's your take on that? No, I think they've done really well. I haven't seen the film, so I can't really comment on how the film is. But, growing up, I was an Ajay Devgan fan. So I just want to wish everybody all the best. We still have a few weeks left till the films are off theatres. And I think both the films have done well. It's all is good. There a possibility we'll shoot,
we can see you in some hot avatar, you know, from Dam Lagake to Aisha to Dil Red. In my head, to my avatar has been hot in all my films, so I think that depends on the person seeing it. But you know, my no, it's okay. In real life, I'm glamorous, and at least I think I'm hot enough, so it doesn't matter. My work needs to say a lot more about me than just my body or my clothes, and I'm very happy. And yeah, if I get a chance, why not? It'll be easier for me to do that. हाँ, आई कैन सिंग श्योर. आप लोग सुन पाएंगे, वो बड़ा चैलेंज है. कौन सा गाना गाऊँ? कान्हा ही गाऊंगी. हाँ, अच्छा, ओके. Because that's the only one that has that. Okay. Uchi uchi doriyon pe. Oh God, I'm like, you know, I'm getting very nervous. I can't sing. Main act karke dikhaun kuch. Wo mujhe aati hai acting. Congratulations. Thank you. Another success party for you. Thank you. And you're looking gorgeous today. Thank you. My question to you is, do you think that political dynasty exists in our society? And if yes, then... Wow, yeah, it's very heavy for a conversation like this, huh? I'm ready to go party. I'm ready to go have this. And I always would answer, but not today. Yeah. Today is just a chill, happy day. Thank you so much, guys. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Can I do the moonwalk? Hi. So you saw the film? Yes. How was it? I loved it. I saw it at the pre-screening for the industry, and it was one of, you know, my favorite films from this year, because it was so real. And I'm very biased because Ayushman's one of my favorite actors, so everything that he does I think is fabulous, but the way he played that character was incredible. How did you find Bhumi's character? I mean, her performance in the... You know, I love Bhumi whenever I see her. I first saw her in Dam Lagake Aisha, and she's so natural, and she's so real and relatable, and actually is not acting. She knows how to get into a character and just be, and I think that's so special. Mm-hmm. And what's next in any specific project you are a part of or doing something? Yes, very much so. I have my ABC show airing right now in Australia called Pulse, so I've spent most of the year in Sydney shooting a medical drama with Owen Teal, who is from Game of Thrones, if any of you know who he is. Thank you. Thanks. Bye. एक साल से कम जगह फिट हो रही है. सॉरी सर, आई डिड सॉरी. नाम अभी पढ़ लेफ्ट में सब सेंटर में स्टिल. हां, स्टिल स्टिल ले दो. हम ऐसे नो स्टिल, जस्ट हिल. ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाजी जी, वी रियली गुड टू सी यू. क्या ये हम मान लें कि जिस फिल्म में आनंद की फिल्म में आप रहे हैं वो कामयाब रहेगी? उनसे पूछना चाहिए था ना. लकी मैस्कॉट है हम.
उनसे पूछना चाहिए था आनंद भाई से. क्या कहना चाहेंगे ना बॉलीवुड से अबाउट द फिल्म एंटायर फिल्म सच अ बिग सक्सेस. आई मीन इट्स ग्रेट यार. आई होप दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ विद स्मॉलर फिल्म्स बट रियली मीनिंगफुल एंड नाइस एंटरटेनिंग फिल्म्स आर डूइंग वेल. आई होप दिस ट्रेंड कैरीज ऑन फॉर सम टाइम एंड मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आर मेड एंड आई ऑल्सो गेट टू एक्ट इन देम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.